सकती, शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब तुम कान खोलकर सुन लो कचरी पाई, अगर तुमने इसके बाद भूल की कि सूर्यकांत करोड़िया भूल जाएगा कि तुम भी एक औरत हो। और एक बात याद रखना कचरे, तुम मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती। ये मेरी बदनसीबी थी जो मैंने तुमसे प्यार किया, और ये मेरी खुशकिस्मती है जो आज मैं नियति से शादी कर रहा हूं। उस दिन तो तुम्हें सरस्वती ने जूस पीने से बचा लिया था, मगर आज कौन बचाएगा? आज शादी की खुशियां हैं तो तुम्हारी तकलीफ तो उतनी ही बढ़नी चाहिए ना दुर्गा। कैसे और कहाँ ढूंढूं वो सबूत जो भविष्य की सच्चाई सबके सामने लाए, वरना वरना इस तरह तो वो मेरी आंखों के सामने दुर्गा की जिंदगी खोखली कर देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सलाम इश्क, सलाम इश्क।
इश्क 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 सलामे इश्क सलामे इश्क 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 सलामे इश्क सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे दुर्गा की खोलो दुर्गा दुर्गा क्या हो गया तुम्हें दुर्गा कितनी खुश थी दुर्गा आज खुशी से कितना डांस कर रही थी और क्या हो गया ऐसे दुर्गा दुर्गा क्या हो गया तुम्हें दुर्गा हाथ मत लगाओ मेरी बहन को तुमने मारा है उसे तुमने मारा है मेरी बहन को क्यों किया ऐसा क्यों किया मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया मैं कह रही थी सबसे ये मेरी बहन को मार डालेगा कितनी खुश थी मेरी बहन कितना प्यार था हमने भी कैसे ये तो पागल हो चुकी है पागल हाँ फिर राज पिपला के इज्जतदार लोग आए उनके सामने तुम बाबूजी की ऐसी इज्जत उजालो की दुर्गा की हालत इतनी कमजोर है तुम्हें उसका साथ देना चाहिए क्योंकि तुम उसको और परेशान क्यों कर रही हो रणबीर को दिलासा देने के बजाय तुम उस पर हाथ उठा रही हो तुम
सदी तुम्हारी इस हालत में मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, मैं गुस्सा आ रहा है। सरस्वती क्यों कर रही हो ये सब? क्यों? क्योंकि इसने मेरी बहन को मारा है। बस करो सरस्वती, बस करो। कुछ नहीं हुआ है दुर्गा को, कुछ नहीं हुआ। कमजोरी की वजह से चक्कर खाके गिर गई है बेटी। उसे चक्कर आया है बेटी, चक्कर आया है उसे, वो मरी नहीं है। बेटी क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो गया है तुम्हें? तुम सबसे बड़ी बेटी हो मेरी, सबसे सुलझी हुई शान। आज सबके सामने तुम तमाशा क्यों क्यों कर रही हो बेटी, क्यों कर रही हो? जरा अपनी बहन की तरफ तो देखो। तुम्हारे इस बर्ताव से उस बेचारी का बसा बसा एक घर बर्बाद हो सकता है बेटी। मत करो ऐसा बर्ताव बेटी। हमें भी दुर्गा की उतनी ही चिंता है, उतनी ही परवाह है, लेकिन उसकी फिक्र की परछाई हम युवराज और नियति की शादी की खुशियों पर तो नहीं डाल सकते ना बेटी। भटक रही हो तुम बेटी, भटक रही हो। जरा देखो तुम्हारे पास जो खड़ा है उसे देखो। भविष्य नहीं है, वो रणबीर है, रणबीर। बेवजह बेवजह राई का पहाड़ बना रही हो तुम। आपने बिल्कुल सही कहा, सरस्वती की आदत बन चुकी है। रणबीर की हर एक बात को लेकर राय का पहाड़ बनाने की। अरे कोई समझाए इस लड़की को, इसे देखकर गरुड़िया परिवार को कितनी तकलीफ हो रही। तकलीफ इंसान एक बार बर्दाश्त कर सकता है, और आज जो बदनामी हुई है उसका क्या? छोटी माँ प्लीज, आज सरस्वती दीदी को समझने की जरूरत है। उनसे इस तरह बातें करने की नहीं, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे गरोड़िया परिवार की बदनामी हो। लक्ष्मी, तुम सबके सामने मुझसे इस तरह से बात कर रही? सरस्वती के बर्ताव ने सारी हदें पार कर दी। इससे पहले कि ये बात भयानक रूप ले ले, हमें इस बात को यहीं रोकना पड़ेगा। और लक्ष्मी, मुझे भी सरस्वती की उतनी ही फिक्र है। सरस्वती की फिक्र करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। क्या है मेरे बच्चे ने जो आप उसे दोषी ठहरा रहे हो? वो किस दौर से गुजर रही है ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। और रही बात समाज की, जब भविष्य ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी तब कहा गया था ये समाज? जानवर की तरह पीटता था वो उसे। माँ, माँ
प्लीज शांत हो जाइए। नहीं गौरी, मुझे बोलने दे। मरहम लगाने के बाद भी उसके गांव चलते थे, पता है ना आपको। उसे सहलाने पर, उसे छूने पर तकलीफ की आंसू सुनाई देती थी। शायद आप सभी ने वो तकलीफ नहीं देखी है, लेकिन मैंने वो तकलीफ देखी है। इसने सही है वो। अगर वो डर दुर्गा की परवाह बन रहा है तो इसमें बदनामी कैसे। बस सावित्री, बस। अब इसके आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन बाबू, मुद्दा ये नहीं है कि इसकी बदनामी हो रही है, किसने कितनी तकलीफ सही। फिक्र की बात है कि सरस्वती का बर्ताव अब हद से बाहर जा रहा है, और उससे भी ज्यादा फिक्र की बात है कि दुर्गा बेहोश हुई है। बाबू बेहोश नहीं है सरस्वती। सावित्री संभालो अपने आप को। देखो मैं मानता हूं मैंने सरस्वती को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, पर वो जरूरी था। सावित्री तुम इस तरह क्यों रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं, टूट चुकी हूं मैं, टूट चुकी है मेरी हिम्मत। मेरी बेटियों के सर पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं, कम ही नहीं हो रहे। क्यों इतना दुख है मेरी बेटियों की जिंदगी में? सावित्री ऐसी बात नहीं है। सावित्री मुझे वो दुख से भरे बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्दी हमारी बेटियों की जिंदगी में सुख भी आएगा। ये तो मुरारी की लीला है। जैसे हर सुख के बाद दुख आता है, वैसे हर दुख के बाद सुख भी आता है। भले ही वक्त आज हमारी बेटियों की परीक्षा ले रहा हो, पर देखना कल यही वक्त हमारी बेटियों की जिंदगी में सुख भी लाएगा, खुशियां लाएगा। लेकिन हर वक्त मेरी बेटियां ही परीक्षा क्यों दे? क्या पाप किया है उन्होंने कि जो उन्हें यह वक्त देखना पड़ रहा है? अगर कोई रो रहा है तो मेरी बेटियां अपने आंसू छिपाकर उसके आंसू पोंछ देती है। अगर कोई दुख में है तो वो अपनी सारी खुशियां उस पर निछावर कर देती है। उनकी जिंदगी में ही ये दुख क्यों है? क्यों वो ये परीक्षा दे? आज इसे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। सावित्री, सावित्री रुको, रुको सावित्री। सब जानता है ना तू, सब कुछ। अर्जुन को रणभूमि में अपनी लीला से सृष्टि के दर्शन करवाए थे और यह एहसास दिलाया था कि अगर एक ओर तू दुख देता है तो दूसरी ओर सुख भी देता है। तो मेरी बेटियों की जिंदगी में सिर्फ दुख ही क्यों है? कहाँ है उनके हिस्से का सुख? और अगर तुमने उनके नसीब में सुख लिखा ही नहीं है
तो उन्हें दुख देने का भी कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। बस करो सावित्री, बस करो। मत रखो मुरारी को, अपनी ममता की कसौटी पर मत रखो। रखूंगी। आज तक इसने सबकी परीक्षा ली है, लेकिन आज इसकी परीक्षा है। अगर जिंदगी में कभी भी मैंने कभी सच्चे दिल से तेरी प्रार्थना की है, तो आज तुझे अपना सच दिखाना ही होगा। विश्वास जीतना होगा सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों का। और अगर तुम इस परीक्षा में नाकाम रहे, आज के बाद ये माँ ना ही कभी तेरे दर्शन करेगी और ना ही तेरी पूजा।